हेलो गाइस, मैं ब्लड डेविल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्लड गेमिंग पे। तो गाइस, हमारा आज ग्रुप ए का दूसरा मैच मेरा मार रूम बन चुका है और यहां पर रजिस्टर टीम रूम के अंदर आ रही है, मतलब जो जिन्होंने रजिस्टर कराई थी वो लोग रूम के अंदर आ रहे हैं। 48 बंदे रूम के अंदर हो चुके हैं। ओके, हमारे यहाँ पे स्ट्रीम स्टार्ट हो, लेट्स सी, देखें स्ट्रीम पे हमें सबसे पहले कौन आया। ब्लड बीस्ट आए हैं भाई, क्या बात, मजा आ गया। MRX गेमिंग, वेलकम टू स्ट्रीम। ए ब्लेजर लौंडा, ब्लेज लॉन्डे, हाय सुतियापा भाई, सुतियापा। Thank you.
गाइस यहाँ पे स्ट्रीम में डिले है तो थोड़ा सा वेट करना, रिप्लाई आएगा। यहाँ पे हमने आपका सबका वेलकम किया है, यहाँ पे हमने 2 मिनट का डिले डाला है क्योंकि हमारा ये फ्री टूर्नामेंट है, वो टूर्नामेंट है तो यहाँ पे डिले डालना बनता है ताकि यहाँ पे स्ट्रीम स्नाइप ना हो पाए। फुल पॉइंट टेबल यहाँ पे मैच होने वाले हैं, 58 बंदे रूम के अंदर आ चुके हैं। एटीएस की स्क्वाड यहाँ पे वापस आती हुई है, एसके की स्क्वाड, वही बॉस स्क्वाड है जो काफी अच्छा खेलते हैं, सभी अच्छा खेलते हैं। एक्सएन ट्रिपल एक्स की स्क्वाड हमारी XC18 यहाँ पे वापस आ चुके हैं। लोन की स्क्वाड यहाँ पे आ चुकी है हमारी, फिर मैं 13 SVG की स्क्वाड कंप्लीट होती हुई, EXC की स्क्वाड फाइनली आते हुए। कल EXC की स्क्वाड शायद से नहीं खेली थी या फिर खेली थी मुझे याद नहीं है, आई थिंक खेली होगी, अच्छी बात है। चलो वहाँ पे टीम नंबर 9 यहाँ पे एंट्री ले चुके हैं रूम के अंदर, TS के बंदे यहाँ पे धीरे धीरे एंट्री ले रहे हैं। टीम नंबर 11 के वहाँ पे आइस की स्क्वाड हमारी जो सेकेंड आई थी कल वो आ चुकी है। फिफ्थ टीम हमारी TRS की स्क्वाड जो फर्स्ट आई थी कल, TRS की स्क्वाड TSR की स्क्वाड आई थी भाई, कई पॉइंट टेबल तो मैं बिल्कुल भूल ही गया हूँ भाई। आईडी पास ध्रुव, जो ब्रो आईडी पासवर्ड नहीं दे सकता मैं चैट पे, आईडी पासवर्ड केवल ये ब्रो टूर्नामेंट है, 1K प्राइस पूल वाला टूर्नामेंट है तो ब्रो यहाँ पे आईडी पासवर्ड नहीं दे सकता मैं, केवल आईडी पासवर्ड ग्रुप में मिला है, जो ग्रुप मतलब जिन ग्रुप को हमने बंदे ऐड किए थे उनको स्लॉट स्लॉट दे करके। तो ग्रुप ए का यहाँ पे आज दूसरा मैच है मीरामार। स्टीव सर्जन ब्रो वेलकम टू श्री भाई, हेलो सर कैसे हो भाई। प्रकाश ब्रो, प्रकाश पॉल वेलकम टू श्री भाई, बिग फैन सर ये। मेटल कैडेट वेलकम टू श्री भाई। टोटल नंबर ऑफ टीम पार्टिसिपेशन ब्रो 80 टीम है टोटल, 80 टीम है, 4 ग्रुप हैं और अभी क्वालिफायर चल रहा है। हाँ हमारे ग्रुप से यहाँ पे टॉप 10 टीम निकालेंगे, फिर सेमीफाइनल में हम यहाँ पे हर ग्रुप से 2 ग्रुप बचेंगे तो जिसमें से हम टॉप 10 टीम निकालेंगे। फाइनल में जाके फिर इस टीम की फाइट होगी और उसमें से टॉप 3 को यहाँ पे प्राइस मिलेगा और 3 MVP को यहाँ पे प्राइस मिलेगा 50-50 रुपीज का। 0 to Infinity वेल्कम टू श्री भाई। 3:15 पर स्टार्ट हो जाएगा। हाँ भाई 3:15 हो गए हैं क्या भाई? भाई 3:15 हो गए है क्या बात? तो वो 2 मिनट ओके गाइज, मैं यहाँ पे डिस्कॉर्ड पर बात करने गया था, 1 मिनट हम डिले करेंगे ताकि कोई टीम अगर मतलब लास्ट मोमेंट पे ज्वाइन कर रही हो तो वो ज्वाइन कर पाए। 1 मिनट डिले कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके गाइज यहाँ पे स्ट्रीम में डिले है तो आप ये मत समझना कि मैं चैट ही पढ़ रहा हूँ, चैट में सबकी पढ़ रहा हूँ। बाकी गाइज स्ट्रीम पे यहाँ पे जो भी नया, फटाफट जल्दी से स्ट्रीम को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके मेटल गेट सेमीफाइनल डेट, सेमीफाइनल डेट ब्रो अभी यहाँ पे सेमीफाइनल की डेट होगी, आज दूसरा मैच है, हम क्वालिफायर में 4 मैच करा रहे हैं तो ब्रो सेमीफाइनल की डेट होगी, अभी 2 दिन और रह गए हैं, तो मान लो 2 दिन और रह गए हैं तो सेमीफाइनल की डेट होगी ऐसे 20 तारीख से या फिर 21 तारीख से। हम 1 दिन का हो सकता है गैप ले लें, बंदों को आराम करने का टाइम दे, या देख लेंगे कि जो भी होगा देखें, बंदों से पूछ लेंगे, अगर उनको वेस्ट नहीं चाहिए होगा तो हम अगले दिन ही स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो हम 20 या फिर 21 से यहाँ पे सेमीफाइनल चालू हो जाएंगे। और ये हमारा मीरामार मैप यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे ब्लड शेड गाइस, ब्लड शेड हमारा रूम बनाया है जो कि ओनर मतलब रूम का ओनर है, तो टेंशन मत लो, अभी वो यही लॉबी में एग्जिट कर देगा, अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं आपको दिखा दूंगा। 70 बंदे इस रूम के अंदर ज्वाइन हो रखे हैं। व्हाट द डैश इज दिस, फिल इन द ब्लैंक, व्हाट द डैश इज, देखो तो भाई देखो शेड यहाँ पे रूम एग्जिट कर चुका है, देख लो गाइस, आप लोग ये मत सोचना कि कुछ ओवर एचिटिंग। यहाँ पर रेज के टीम नंबर 23 के बंदे भाई, सिर्फ एक ही बंदा यहाँ पे ज्वाइन कर पाया, क्या बात, उनके बाकी बंदे कहाँ रह गए। वहाँ पे टीम नंबर ASBS के 3 बंदे आते हुए, कल भी ASBS के 3 ही बंदे आए थे जहाँ तक मुझे लग रहा है, वहाँ पे 14 पूरी कंप्लीट आ चुकी है। TS के केवल 3 ही बंदे आए हैं, यहाँ पे 1 बंदा नहीं आ पाया। सुधांशु भाई
आए हैं ओके, उनके डार्क हंट माइटी भाई, उनका एक बंदा रह गया यहाँ पे, सुपरलेक्स एंग्स का यहाँ पे एक बंदा रह गया, टीम नंबर 9 का एक बंदा यहाँ पे रहता हुआ, और प्लेन पाथ हमारा आ चुका जो कि इल्फाजो से होता हुआ यहाँ पे इम्पाला की तरफ जा रहा है। तो हमें यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, बंदे यहाँ पे कहाँ पे हॉट ड्रॉप लेंगे, पिकाडो हमारा हॉट ड्रॉप पे है, इल्फाजो बंदे जा सकते हैं, लॉस लियोंस की तरफ बंदा जाना चाहेंगे, काफी बड़ी सिटी है तो लूट को बहुत तगड़ी मिलेगी यहाँ पे लॉस लियोंस में। भाई MRX गेमिंग भाई ये क्या स्पैम कर रहा है, मतलब ये क्या चीज स्पैम कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। व्हाट द डैश इज दिस फिल इन द ब्लैंक, भाई क्या मतलब, क्या लिख रहा है तू, कुछ वो तो लिख जो समझ में आए भाई, इसका मतलब क्या है ब्रो। यहाँ पे टीम नंबर 13 ड्रॉप ले चुकी है, उधर हमारी टीम नंबर 9 के बंदे यहाँ पे ड्रॉप लेते हो जो कि इल्फाजो की तरफ बढ़ रहे हैं, टीम नंबर 6 के बंदे यहाँ पे ड्रॉप ले चुके हैं जो कि हकिंडा पाटारोन की तरफ जा रहे हैं, भाई कहते हैं क्या नाम है। टीम नंबर 7 के बंदे हमारे कुरु जी की स्क्वाड है जो कि मॉन्टी की तरफ बढ़ते हुए पावर ग्रिड में ग्राइंड में आई थी, कोई सी स्क्वाड यहाँ पे नहीं है। टीम नंबर 6 के बंदे बिल्कुल स्प्लिट होकर के यहाँ पे लूट करेंगे, TRS के बंदे भाई बिल्कुल अलग अलग जा रहे हैं यहाँ पे लूट करने, ATS की स्क्वाड हमारी टीम नंबर 18 चुमाकेरा की तरफ बढ़ती हुई पिकाडो में, यहाँ पे टीम नंबर 15, टीम नंबर 5 और टीम नंबर 22 बढ़ रही है, तीन स्क्वाड यहाँ पे पिकाडो में। तो हम यहाँ पे गन फाइट देखने को मिल सकती है, पहली फाइट इस मैप की हमें पिकाडो में देखने को मिल सकती है। वहाँ पे भाई इस मैप में सैन मार्टिन काफी स्क्वाड उतरी है यहाँ पर, टीम नंबर 20, टीम नंबर 7, 12, टीम नंबर 19 और टीम नंबर 8 यहाँ पे सैन मार्टिन उतरी हुई, चार चार स्क्वाड उतरी है। वहाँ पे पहला नॉक आता हुआ TNS फ्यूरी की तरफ से, आइस की रजत को यहाँ पे नॉक करके फिनिश किया पिकाडो में टीम नंबर 22। टीम 15 की यहाँ पे गन फाइट हो चुकी है जो हमें TRS की स्क्वाड है, नहीं भाई टीम नंबर 3 है ये तो। अरे भाई ओवरऑल देख रहा हूँ मैं, इसलिए ऐसा हो रहा है, देख मेरे को ग्राउंड पे आने दो। अब चलते हैं पिकाडो में टीम नंबर 22 के पास, XC18 भी यहाँ पे होते, टीम 15 हमारी TNS की स्क्वाड है, एक किल निकाल चुकी है आइस का, एक बंदा फिनिश होता, वहाँ पे TNS का एक बंदा यहाँ पे फिनिश कर दिया भाई, आइस के बंदों ने यहाँ पे फुल यहाँ पे बदला ले लिया है, दोनों टीम के एक बंदे फिनिश होते। यहाँ पे आइस के कौशिक यहाँ पे डाउन हो चुके हैं, अभी TNS के 3 बंदे बचे हैं, IGL भाई यहाँ पे बचे हुए हैं, ऐसे ही भाई फिनिश हो चुके हैं, ऐसे ही ने यहाँ पे आइस के अनमोल को फिनिश किया, आइस के 2 बंदे डाउन हो चुके हैं, अभी केवल 2 बचे हुए हैं। ओके नवीन ओपी अकेले बंदे बचे हैं टीम ऑफ 5 के और टीम ऑफ 15 के, चारों बंदे आगे पुश करना चाहेंगे, एक बंदा डाउन करेंगे 15 का और पीछे से आते हुए कवर देने के लिए अपने टीममेट को, लेकिन नवीन ओपी ने उनको काफी लोग यहाँ पे किल कंफर्म करना चाहेंगे फ्यूरी की, क्योंकि किल बहुत इंपॉर्टेंट करेंगे भाई, एक पॉइंट है किल का और यहाँ पे इसी के साथ किल को कंफर्म कर, लेकिन टीम ऑफ 5 पूरी यहाँ पे वाइप होती है, टीम ऑफ 15 की यहाँ पर 4 किल हो चुकी है, और XC18 भी स्क्वाड यहाँ पे थर्ड पार्टी करना चाहेगी जो कि मुझे लगता है यहाँ पे होने वाला है थर्ड पार्टी, तो तैयार हो जाओ। TNS की स्क्वाड की यहाँ पे 4 किल हो चुकी हैं, आईजीएल भाई और लुसीमन SE बचे हुए हैं, फ्यूरी और सेल्फ फिनिश हो चुके हैं वहाँ के, वहाँ पे आइस की पूरी स्क्वाड फिनिश होती है। XC18 के बंदे देखते हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी करें कि नहीं, बॉबी भाई अभी तक लूट कर रहे हैं, यहाँ पे फ्यूजन को SLR मिल चुके जो कि काफी नजदीक आ चुके हैं, यहाँ पे बंदों को दोनों बंदों को देख रहे हैं TPP लेकर के। उधर हमारे सैन मार्टिन में बंदे उतर चुके हैं, जोन हमारा पहला बन चुका है जो कि थोड़ा सा अपर साइड की तरफ बनाए, नीचे वाले बंदों को जल्दी जोन में निकलना पड़ेगा। टीम नंबर 21 और टीम नंबर 18 के बंदे थोड़ा सा नजदीक है तो इनकी फाइट देखने को मिलेगी। वहाँ पे टीम नंबर 11 और टीम नंबर 3 यहाँ पे इम्पाला में लूट करती हुई दोनों एक साथ, तो यहाँ पे टीम नंबर 3 हमारी LOC की स्क्वाड साइड से, नहीं भाई TRS की, TSR की स्क्वाड हमारी टीम नंबर 3, तो TSR वर्सेस TS की स्क्वाड की यहाँ पे फाइट देखने मिली। गब्बर भाई खेलते हुए टीम नंबर 3 में, स्नाइपर OP, ब्लेड OP और स्कारल OP 17 भाई यहाँ पे खेलते हुए, स्कारल 7 OP ओके। वहाँ पे टीम नंबर 13 SVG की स्क्वाड आराम से लूट करेगी, आराम से, उनके पास कोई स्क्वाड नहीं, यहाँ पे जंकयार्ड में टीम नंबर 10 के बंदे लूट करना चाहेंगे। टीम नंबर 23 के रेज अकेले खेल रहे हैं जो कि आराम से लूट करेंगे, काफी अलग उतरे हैं तो आराम से करके जोन निकलेंगे। टीम नंबर 6 के बंदे बहुत स्पीड होकर यहाँ पे लूट करते हैं पिकाडो में, टीम नंबर 22 काफी नजदीक आते हुए टीम नंबर 15 के, और आई थिंक 22 यहाँ पे टीम नंबर 15 के क्लोजिंग कर चुकी है। टीम नंबर 15 के यहाँ पे फ्लैश IGL बहुत ही लो, तो यहाँ पे AKM का स्प्रे आता हुआ उनके ऊपर, तो उन्हें यहाँ पे हील करना पड़ेगा। टीम नंबर 22 के बंदे यहाँ पे क्लोजिंग करना चाहेंगे, ATS के विचर ने यहाँ पे M4 से किक एश को यहाँ पे डाउन कर दिया, ATS की फाइट होती हुई। टीम नंबर 18 की यहाँ पे टीम नंबर 21 से फाइट हो चुकी है जो कि हमारी ट्रिपल एस की स्क्वाड है, 2 बंदे डाउन है, अंकित भाई फिनिश होते हुए किक एश यहाँ पे डाउन है, अंशुल और जोकर बच्चों ने देखते हैं यहाँ पे अंशुल रिवाइव दे, अंशुल कवर दे रहे हैं, जोकर वहाँ पे रिवाइव देते हैं, ATS के बंदे यहाँ पे पुश करना चाहेंगे, वहाँ पे XC18 भिड़ चुके हैं, TNS के फ्लैश IGL को फिनिश किया, और इसी के साथ आई थिंक TNS की पूरी स्क्वाड फिनिश कर दी XC18 ने यहाँ पे पिकाडो में, अकेले बंदे बचे हैं टीम 15 के। वहाँ पे टीम 22 में फाइट लेंगे, वहाँ पे FNFEXC की स्क्वाड फाइट की फाइट हो चुकी है भाई, कहाँ फाइट हो रही है, लेट्स सी सैन मार्टिन में यहाँ पे फाइट हो रही है भाई, बहुत ही इंटेंस मूवमेंट चल रहा है यहाँ पे। वहाँ पे SK के पूरे 1 किल हो चुके हैं, टीम नंबर 9 यहाँ पे
हमारी टी नंबर 8H9EXC भी यहाँ पे इनके नजदीक है, टी नंबर 12 से फाइट लेना चाहिए, जो कि हमारी XNS की स्क्वाड है। 8S के बंदों ने यहाँ पे ट्रिपल एक्स की पूरी स्क्वाड वाइप कर दिया टी नंबर 18 ने। पर बंदे बचे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पूरी स्क्वाड में लेके फिर बंदे बचते एक एक, क्या बात, खेल फील तो बिल्कुल अलग ही दिखा रही है। अनिरुप गोर टीम 10 दिखाते हैं भाई, टीम 10 वेट यहाँ पे जरा इनकी देख लें जरा एक बार। यहाँ पे अंशुल भाई अकेले बचे अपनी स्क्वाड की, जो कि आई थिंक यहाँ से फॉल बैक करना चाहते हैं भाई, क्योंकि पॉइंट बहुत जरूरी है, तो प्लेसमेंट पॉइंट लेना चाहेंगे यहाँ पे ट्रिपल एक्स के अंशुल। वहाँ पे 8S के बंदे उनको स्पॉट करने की कोशिश, अगर यहाँ पे टाइटन ओपिन उनको स्पॉट किया तो वहाँ पे फिनिश हो सकते हैं। एसके के क्लाउन FTW ने FNF के सोल को यहाँ पे डाउन कर दिया है। सैन मार्टी में फाइट बिट चुके हैं टी नंबर 20 और टी नंबर 14 के बीच में। यहाँ पे एसके की तीन किल होते हुए टी नंबर 14 के दो बंदे डाउन हो चुके हैं। EXC के पावर और हार्ट भाई बचे हैं, एन भाई अकेले बचे हैं, एन हेड भाई केवल अकेले बचे। EXC के पावर के ऊपर पुश होता हुआ एसके का, अब एक बंदा डाउन किया। EXC का हार्ट यहाँ पे डाउन हो चुके हैं, 1v4 की फाइट है यहाँ पे EXC के पावर पास, और इसी के साथ EXC की पूरी स्क्वाड यहाँ पे वाइप होती हुई। XA की यहाँ पे 5 किल हो चुकी है, लिगमा भाई यहाँ पे डाउन हुए थे, लेकिन अभी यहाँ पे आराम से रिवाइव मिल जाएगा भाई। आपको टी नंबर 10 देखनी थी, वेट हम आपको टी नंबर 10 दिखाते हैं। टी नंबर 10 हमारी, टी नंबर 6, टी नंबर 15, टी नंबर 8, टी नंबर 12, टी नंबर 10 ये रही, ओके सुपर एक्स के अंश की स्क्वाड ये रही। हमारी तीन बंदे खेल रहे हैं आज हमारे सुपर एक्स की स्क्वाड में। वहाँ पे अंशुल ने 8S के ओरेकल ओपी को यहाँ पे डाउन किया, लेकिन टाइटन ओपी का बहुत ही ओपी कवर आता हुआ यहाँ पे टी नंबर 12 पूरी फिनिश हो चुकी है। टी नंबर 8 के टाइटन ओपी बहुत ही कम HP वाले भाई, बिल्कुल 1 HP है यहाँ पर। अपने टीममेट को यहाँ पे रिवाइव देंगे, 4 किल निकाल लिए हैं, लूट करेंगे और यहाँ पे जोन निकालना चाहेंगे। टी नंबर 7 के बंदे हमारे वाले दल मार्क की तरफ लूट करते हैं, वहाँ पे लूट करके जोन निकलेंगे। टी नंबर 11 और टी नंबर 3 काफी नजदीक है, तो इनकी भी फाइट चल रही है। बंदे बिल्कुल होल्ड करके यहाँ पे फाइट लेना चाहते हैं, कोई भी यहाँ पे थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट टेबल मैच है, तो सब लोग अपने लिए खेलना चाहेंगे। वहाँ पे TS के माइक भी यहाँ पे डाउन होते हैं, TRSR स्नाइपर ओपी का क्या क्या ओपी कवर आया यहाँ पे पीछे से। वहाँ पे TS स्टारखंड अपने टीम को रिवाइव करने आ रहे थे, लेकिन वहाँ पे गब्बर भाई ने फिनिश किया उनको। TS स्टारखंड क्या यहाँ पे गब्बर भाई हैं, और वहाँ पे TS के सुधांश भाई काफी पीछे हैं। यहाँ पे TSR ब्लेड और SCarl 7OP काफी नजदीक है स्टारखंड के, थोड़ी सी दिक्कत होती है यहाँ पे अकेले हैं, पीछे सुधांश भाई काफी दूर है, तो यहाँ पे कवर देना भी थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बीच में काफी बिल्डिंग है, तो यहाँ पे कवर भी देना थोड़ा सा मुश्किल होगा सुधांश के लिए। यहाँ पे देखना पड़ेगा स्टारखंड को, देखते हैं फाइट लेंगे कि फॉल बैक करेंगे, लेकिन अभी तो फाइट लेनी पड़ेगी। अगर पीछे निकले तो पीछे से पड़ जाएगी यहाँ पे गब्बर भाई के ऊपर, मॉली किया गया यहाँ पे डार्कन की तरफ से, लेकिन मॉली कनेक्ट नहीं हुआ। उधर हमारे सैन मार्टिन में टी नंबर 12 की फाइट होती हुई टी नंबर 8 से। गाइस जो भी स्ट्रीम पे नया, फटाफट स्ट्रीम को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप लोग नहीं किया है, फटाफट जल्दी से। और ये हमारा फ्री टूर्नामेंट है, और T3 कस्टम भी होते रहते हैं हमारे, जो कि रेगुलर होते हैं 3-5 के, मगर उसमें खेलना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है ब्लूबेरी गेमिंग कम्युनिटी का, फटाफट जाकर के उसे ज्वाइन कर लो। डिस्कॉर्ड पर उसके पीछे हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसे भी ज्वाइन कर लेना अगर आप डिस्कॉर्ड यूज नहीं करते। हम बता देंगे कैसे अपनी टीम का रजिस्टर करना है डिस्कॉर्ड पे T3 स्क्रीम्स के लिए। और इस टूर्नामेंट से हम यहाँ पे T2 के लिए यहाँ पे स्क्वायर्स फिल्टर करने वाले हैं। वहाँ पे एक्सेंस के जिक्सर ने TSR का स्लेयर OP को यहाँ पे डाउन किया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। यहाँ पे TSR के स्लेयर भाई अकेले पड़े हुए हैं, टी नंबर 8 बाकी वहाँ पे ऊपर वाले घर में, जो कि हमारी H9EX की स्क्वाड है भाई। TSR का बंदा इसमें कहाँ से आ गया, वहाँ पे TSR के स्लेयर OP फिनिश होते हैं। जीफर भाई यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, टी नंबर 8 के दो बंदे डाउन है, एक बंदा फिनिश हो चुका है। हल्क और भाई क्या नाम रखे हैं लॉन्डो ने, दो ही बंदे बचे हैं टी नंबर 8 के। वहाँ पर टी नंबर 12 के बंदे क्लोजिंग करना चाहेंगे। एंड एविल भाई बिल्कुल ओपन यहाँ पे क्रॉस कर रहे थे, लेकिन बहुत ही ओपी हो रहा था हेड हंटर का पीछे से। टी नंबर 8 के दो बंदे वहाँ पे, बंदे को रिवाइव मिल चुका, तीन बंदे बचे हैं, 3v4 की फाइट है। RK गेमिंग हेलो ब्रो, वेलकम टू स्ट्रीम भाई, कैसे हो ब्रो, मुझे पहचाना, हाँ भाई आप रेज स्क्वाड से हो, समझ गया ना शायद से, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लगता है आप रेज स्क्वाड से हो। हितेश चौहान वेलकम टू स्ट्रीम भाई, कैसे हो। यहाँ पे टी नंबर 8 के बदले TPP लेते हुए टी नंबर 12 के लिए, जो कि हमारी XNS की स्क्वाड है, दोनों के पीछे फाइट होती है। वहाँ पे TS के कमांडर ने यहाँ पे XNS के काशी को यहाँ पे डाउन कर दिया है। टी नंबर 12 के बंदे दो नीचे हैं, बाकी दो बंदे कहाँ बैठते हैं पीछे से। TRS की स्क्वाड थर्ड पार्टी करना चाहेगी, काफी पीछे से यहाँ पे शॉट दिया, बहुत ही ओपी स्प्रे दिया है, यहाँ पे डाउन कर दिया काकाशी को। उधर हमारी टीम नंबर 20 SK की स्क्वाड सैन मार्टिन में एंट्री ले चुकी है टीम नंबर 8 के नीचे हमारे ऐसे बंदे। फिर TRS के बीच ने दोबारा से यहाँ पे काकाशी को डाउन किया भाई, अभी भी जैसे रिवाइव हुए थे
लेकिन बीस्ट का बहुत ही ओपी स्प्रे आता हुआ यहाँ पे डाउन कर दिया है। बीस्ट भाई आई थिंक ड्रीम असिस्ट के बंदे यहाँ पे क्लोज भी करना चाहेंगे, लेकिन ड्रीम असिस्ट के बंदे को लगता है यहाँ पे केवल एक ही स्क्वाड है, तो यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा। वहाँ पे टीम नंबर 8 भी पहले से बैठी हुई जिनके साथ फाइट हो रही है, टीम नंबर 12 की, टीम नंबर 20 भी यहाँ पे एंट्री ले चुके, तो हम यहाँ पे थर्ड फोर्थ पार्टी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे टीम नंबर 12 के बंदे उनके बिल्कुल नीचे हैं, दो बंदे हैं हेड हंटर और एन एविल भाई, टीम नंबर 10 का एक बंदा उस साइड है, और टीम नंबर 6 के टीआरएस जैक ओपी आ चुके हैं गाड़ी लेकर के। तो अभी तो यहाँ पे बहुत ही ओपी वाली फाइट हो रही है, 3 3 स्क्वाड आ चुकी है यहाँ पे, टीम नंबर 20 भी धीरे धीरे नजदीक आ रही है, तो फोर्थ पार्टी देखने को मिलेगी। पहले हमें थर्ड पार्टी देखने को मिलेगी, देखते हैं यहाँ पे किस किस फाइट की किस स्क्वाड की फाइट होती है। टीआरएस के जैक ओपी फिनिश होते हुए यहाँ पे हेड हंटर की तरफ से यूजी चलती हुई हेड हंटर के हाथों बाइक, क्या बात, हेड हंटर ने यहाँ पे जैक ओपी को फिनिश किया। एसके के सोल के बंदे यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे एक्स एन एस के चारों बंदे अलाइव हैं, जिक्सर ने काकाशी भाई ने यहाँ पे आदर्श ओपी को यहाँ पे डाउन कर दिया। टीएसआर के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती हुई, यहाँ पर दो बंदे फिनिश हो चुके हैं टीम नंबर 6 के, बाकी बंदे पीछे की साइड। यहाँ पे बीस्ट भाई पीछे से कवर दे रहे थे लेकिन बहुत पीछे रह गए, कमांडर भाई भी काफी पीछे हैं, वहाँ पे दो बंदे फिनिश हो चुके हैं। देखते हैं दो बंदे फाइटिंग की जोन निकलना चाहेंगे, वहाँ पे टीम नंबर 12 हमारी एक्सपीरियंस की स्क्वाड उनकी बिल्डिंग के नीचे, ऊपर वहाँ टीम नंबर 8 है, टीम नंबर 20 भी यहाँ पर काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। जोन हमारा श्रिंक होना स्टार्ट हो चुका है, दूसरा जोन बनने वाला है, वहाँ पे टीएस के सुधांशु भाई निकलना चाहेंगे जोन के अंदर गाड़ी लेकर के। वहाँ पे टीम नंबर 8 का एक बंदा डाउन किया यहाँ पे हर्ड हंटर ने, वहाँ पे दूसरा बंदे को फिनिश कर दिया, अभी केवल दो बंदे बचे हैं टीम नंबर 8 में। यहाँ पे नेट कुक हो रहा है टीम नंबर 12 के, देखते हैं नेट कनेक्ट होता है कि नहीं भाई, एक तो ऐसे जहर जहर नाम रखे हैं तो ब्रो कतई क्या दिक्कत सी हो रही है नाम पढ़ने में। टीम नंबर 12 के पूरे चार बंदे अलाइव हैं एक्स एन एस की स्क्वाड के लिए, एक टाइम पे वहाँ पे टी आर एस की स्क्वाड ने पीछे से यहाँ पे जिक्सर भाई को डाउन, को भी दो बार यहाँ पे डाउन किया था और पुश भी किया था टी आर एस की स्क्वाड ने, लेकिन वो पुश उनके लिए भारी पड़ गया भाई। हर्ड हंटर और काकाशी ने यहाँ पे सिचुएशन को हैंडल कर लिया, दो बंदे यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं, और उसी के साथ टी आर एस की स्क्वाड के बंदे यहाँ पे फॉल बैक कर गए। टीम नंबर 20 यहाँ पे नजदीक आ चुकी है, टीम नंबर 8 के दो बंदे बचे हैं, टीम नंबर 12 के यहाँ पे चार बंदे बचे हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है सैन मार्टिन में यहाँ पे फाइट देखने को मिल रही है। बाकी सब स्क्वाड यहाँ पे जोन के निकलना चाहेंगे, टीम नंबर XC18 यहाँ पे जोन में निकलना चाहेंगे, जोन हमारा दूसरा बन चुका है। टीम नंबर 9 यहाँ पे इल्पाजो में, जो कि हल्का सा जोन में है, आधा इल्पाजो यहाँ पे जोन के अंदर है। हितेश भाई खुल के बोलो, जोर से बोलो, बोलो खुल के तो बोल रहा हूँ, मेरा माइक तो लेट मी चेक, मेरा माइक की वॉल्यूम कम है क्या? नहीं भाई माइक तो बिल्कुल ठीक है मेरा, रुको भाई देखने दो मुझे एक बार स्ट्रीम पे चेक करने दो, भाई भी काफी पीछे है, वहाँ पे दो बंदे फिनिश हो चुके हैं। देखिए दो भाई माइक तो बिल्कुल ठीक चल रहा है ब्रो, स्ट्रीम पे भी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है, सही क्लियर आवाज़ आ रही है, तो आप एक बार रिफ्रेश कर लो, क्या पता आपको आवाज़ ना आ रही हो। यहाँ पे टीम नंबर 9 के दो ही बंदे बचे हैं, टीम नंबर 12 के पूरे चार बंदे, टीम नंबर 20 यहाँ पे एसके की स्क्वाड जो कि थर्ड पार्टी करना चाहेगी भाई, फुल स्कोपिंग करके बंदे स्पॉट करने की कोशिश। एसके के सोल भाई यहाँ पर टीम नंबर 12 हमारी एक्स एन एक्स की स्क्वाड है, चार किल निकाल चुके हैं, एक्सके की भी यहाँ पे 5 किल हो चुकी है, टीम नंबर 8 की यहाँ पे तक 0 किल है, दो बंदे फिनिश हो चुके हैं, टीम नंबर 6 की भी यहाँ पे 0 किल है, दो बंदे फिनिश हो चुके हैं, जैक ओपी भाई और आदर्श ओपी वहाँ पे टीम नंबर 4 जोन में एंट्री लेती हुई। टीम नंबर 11 के टी एस सुधांश भाई अकेले बचे हैं, डार्क हंट और माइटी भाई फिनिश हो चुके हैं, सुधांश भाई यहाँ पे प्लेस पॉइंट के लिए खेलना चाहेंगे, अकेले बचे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड या फिर सेफ खेलना चाहेंगे। टीम नंबर 10 के बंदे यहाँ पे बढ़ते हुए जोन के अंदर 3 बंदे हैं, सुपरलेक्स अंश की स्क्वाड के बंदे हैं यहाँ पर, सुपरलेक्स सिटी वहाँ पे टी एस सुधांशु का आई थिंक यहाँ पे सुपरलेक्स अंश ने स्पॉट कर लिया है, बिल्कुल पहाड़ पे लेटे हैं हम फोर लेकर के, यहाँ पे सुधांशु की तरफ से स्प्रे आया तो यहाँ पे डाउन हो सकते हैं, लेकिन आई थिंक सुपरलेक्स अंश ने यहाँ पे सुधांशु को स्पॉट नहीं किया, तभी यहाँ पे आराम से लेट रहे हैं। वहाँ पे टी एस आर के की स्क्वाड हमारी टीम नंबर 3 जो कि जोन आना चाहिए, वहाँ पे इन्होंने टी एस के दो बंदे यहाँ पे फिनिश करे हैं, 2 किल निकाली हैं, चारों बंदे अराइव हैं इनके, क्या बात। टीम नंबर 8 एस की स्क्वाड यहाँ पे जोन के अंदर आना चाहेगी, वहाँ पे टीम नंबर 6 के बंदे जोन के अंदर पहुंच चुके हैं, वहाँ पे टीम नंबर 8 का एक और बंदा यहाँ पे डाउन होता है, टीम नंबर 12 आई थिंक यहाँ पे पुश करना चाहेगी, हल्क भाई अकेले बचे हैं, 1v4 की सिचुएशन होगी, हल्क के पास नीचे से पूरे चार चार बंदे आते हुए यहाँ पे हल्क के ऊपर अपने टीममेट यहाँ पे रिवाइव दे रहे हैं, देखते हैं इनका रिवाइव कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। यहाँ पे एक्शन के बंदे पुश कर रहे हैं भाई, भाई ग्राफिक्स थोड़ा लेट लोड हो रहे हैं गाइस, उसके लिए सॉरी, यहाँ पे फोन थोड़ा लो वेरिएंट है तो यहाँ पे ग्राफिक्स की थोड़ी दिक्कत आ रही है। यहाँ पे टीम नंबर 12 के बंदे पुश कर चुके हैं टीम नंबर 8 के ऊपर, और इसी के साथ आई थिंक टीम नंबर 8 के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती हुई, यहाँ पे एक बंदा डाउन किया हेड हंटर, लेकिन यहाँ पे डाउन हो चुके हैं और हेड हंटर को भाई फुर्ती में फिनिश कर दिया है ओपी भाई, जी जी भाई क्या बात, हेड हंटर को 3 बंदे को सामने हेड हंटर को नॉक करके फिनिश किया है यहाँ पे टीम नंबर 8 के बंदों ने,
क्या बात, लेकिन टीम नंबर 8 पूरी वाइप हो चुकी है। लेकिन भाई हार्ड हंटर को जो मारा है मानना पड़ेगा, तीन बंदों के सामने यहाँ पे डाउन करके फिनिश ही कर दिया पूरा। टीम नंबर 12 की यहाँ पे 6 किल हो चुके हैं। टीम 15 की यहाँ पे टीएनएस लू सीमन भाई अकेले बचे हैं, जो कि काफी नजदीक आ चुके हैं। फ्लैश फ्यूरी और सेल्फ यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। आई थिंक टीएनएस स्क्वाड पहली स्क्वाड थी जो कि उधर से यहाँ पे फिनिश हुई थी, नहीं टीएनएस स्क्वाड नहीं थी गाइज, वो आइस की स्क्वाड थी, याद आ गया मुझे। ओके लुसीमन भाई अकेले बचे हैं यहाँ पर। लुसीमन भाई की फाइट एटेक्स के हुई थी, वहां पे फिनिश कर दिया एडेक्स ने तीन बंदों को। टीम नंबर 23 का अकेला बंदा यहाँ पे जोन में आता हुआ, 41 बंदे बचे हैं, 14 टीम अलाइव। वहां पे टीएस के सुधांशु भाई अपना जलवा दिखाते हुए एक बंदे को नॉक करके फिनिश किया यहाँ पे। आई थिंक सुपरलेक्स अंश की स्क्वाड के एक बंदे को नॉक करके फिनिश किया है। ओके अच्छा तीनों बंदे अलाइव है, फिर मारा किसको है? ओके टीम नंबर 3 के यहाँ पे बंदे को मारा टीएसआरके के कारल ओपी को। सुधांश भाई यहाँ पे स्पॉट हो चुके हैं जो कि अकेले बचे हैं यहाँ पे। टीम नंबर 3 भी आती हुई, टीम नंबर 11 के ऊपर हमारी टीम नंबर 10 के बंदे ही बैठे हुए हैं जिनको यहाँ पे गन साउंड आ चुकी होगी। और यहाँ पे स्पॉट क्लियर किल फिर देखे होगी, पता चल गया होगा यहाँ पे कौन कौन सी स्क्वाड फाइट ले रही है। यस सुधांशु भाई अकेले वन मैन आर्मी खेलते हैं अपनी स्क्वाड के लिए, 1 किल निकाल चुके हैं। गंपर भाई इनके सामने टीपीपी ले रहे हैं, ब्लेड ओपी इनके सामने नंबर 3 के पूरे 3 बंदे बचे हैं, एक बंदा पूरा नॉक करके खा गई है। वहाँ पे स्नाइपर ओपी ऊपर से कवर देते हुए, लगता है स्नाइपर मैन है उनका। वहाँ पे टीम 15 हमारी सैन मार्टिन बैटरी ले चुकी है, अकेले बंदे हैं। लुसीमन भाई आराम से बैठे हुए हैं, होल्ड कर रहे हैं। टीम नंबर 12 के बंदों की यहाँ पे फाइट होती हुई, टीम नंबर 20 से टीम नंबर 22 यहाँ पे XC18 के चारों बंदे हैं, 1 किल निकाल रहे हैं, जोन के अंदर एंट्री ले चुके हैं। टीम नंबर 4 के बंदे यहाँ पे पिकार्डो की साइड बढ़ते हुए, टीम नंबर 7 यहाँ पे जोन में आती हुई, टीम नंबर 9 यहाँ पे जोन में एंट्री ले चुके जो कि इल्फोजो की तरफ है। टीम नंबर 13 हमारी SVG की स्क्वाड है, चारों बंदे लाइव है, लूट करके आ रहे हैं धीरे धीरे, आराम से अपना कंपाउंड होल्ड करना चाहेंगे। आई थिंक अभी जहां तक फाइट होगी वो यहाँ पे टीम नंबर 11 की फाइट देखने को मिल सकती है। टीम नंबर 3 से यहाँ पे टीम नंबर 3 का एक बंदा काफी नजदीक आ चुका है, 2 बंदे यहाँ पे आ चुके हैं और 1v2 की सिचुएशन है यहाँ पे। सुधांश भाई के देखते हैं 1v2 कर पाते हैं कि नहीं, और एक बंदा यहाँ पे डाउन किया है टीएस ब्लेड ओपी को। और गब्बर भाई सामने आते हैं, गब्बर का थोड़ा सा स्प्रे आता है, सुधांश को काफी लो कर दिया, लेकिन भाई इसी के साथ काफी ओपी तरीके से यहाँ पे सुधांश भाई लड़े थे, लेकिन गब्बर का बहुत ही ओपी कवर आता हुआ वहाँ पे फिनिश किया। टीम नंबर 11 पूरी वाइप होती हुई, इसी के साथ टीम नंबर 3 के ब्लेड ओपी को यहाँ पे रिवाइव मिल जाएगा। टीम 10 पे काफी अच्छा मौका यहाँ पे थर्ड पार्टी कर सकती है, लेकिन यहाँ पे तीनों बंदे छत पे मतलब पहाड़ पे बिल्कुल लेटे हुए हैं, आराम से आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। सामने टीम नंबर 3 का एक मिनट डाउन है और वो रिवाइव हो चुका है, आराम से लूट करेंगे। सुधांश भाई क्रिएट और जोन के अंदर है और हमारा यहाँ पे चौथा तीसरा जोन बनने वाला है। यहाँ पे 13 टीम रह गई है, 39 बंदे अलाइव है। टीम नंबर 22 यहाँ पे बिल्कुल जोन के एच पे, 3-4 स्क्वाड है जो बिल्कुल जोन के एच पे, वहाँ पे सैन मार्टिन में टीम नंबर 22 के बंदे बैठे हुए हैं जो कि फाइट लेंगे। टीम नंबर 20 से हमारी SK की स्क्वाड है, टीम नंबर 20 और XNS की स्क्वाड है। यहाँ पे मिनी 14 से TNS के लूसीमन भाई को फिनिश किया और इसी के साथ TNS की पूरी स्क्वाड यहाँ पे वाइप होती हुई। XNS की यहाँ पे 7 किल हो चुकी है, OP गाइस। जोन हमारा चौतीसरा बन चुका है और यहाँ पे 12 टीम अलाइव है। अभी जहाँ तक देखे केवल 4-5 टीम है जो जोन के अंदर है, बाकी सबको यहाँ पे जोन निकलना पड़ेगा। XC18 के बंदे यहाँ पे जोन के लिए निकल चुके हैं। टीम नंबर 22 को यहाँ पे अपनी रोटेशन लेनी पड़ेगी। टीम नंबर 10 के बंदे यहाँ पे जोन निकलना चाहेंगे जो कि आई थिंक निकलना स्टार्ट कर दिए हैं, बग्गी वग्गी फुल तैयार कर लिए और निकल रहे हैं यहाँ पे। टीम नंबर 10 के बंदे जोन, टीम नंबर 3 यहाँ पे जोन निकलेगी लूट करके आराम से। वहाँ पे टीम नंबर 20 के बंदे काफी नजदीक पहुंचते हुए, टीम नंबर 12 के, टीम नंबर 18 यहाँ पे काफी नजदीक पहुंच चुकी है, टीम नंबर 7 के, टीम नंबर 8X और हमें T-Rex के स्क्वाड के साथ हमें यहाँ पे फाइट देखने को मिलेगी। यहाँ पे नेट कुक हो रहा है, ATS का गुरु जी की स्क्वाड यहाँ पे फाइट लेगी। ATS के स्क्वाड 2 बंदे यहाँ पे T-Rex भाई और यहाँ पे सबका बाप यहाँ पे डाउन हो चुका है ATS की तरफ से। Oracle OP यहाँ पे डाउन होता है M249 से, T-Rex के यहाँ पे 2 बंदे यहाँ पे डाउन हो चुके हैं, गुरु जी शेर और मर्सी भाई बचे वहाँ पे ATS के डाउन है। टाइटन OP को यहाँ पे गाड़ी फोड़ के डाउन कर दिया है गुरु जी मर्सी ने। ATS विचर ने यहाँ पे गुरु जी मर्सी को डाउन किया, अभी केवल शेर भाई अकेले बचे हैं, विचर भाई बचे हैं ATS की स्क्वाड में। क्राउन FPW Oracle OP को यहाँ पे रिवाइव देते हुए, वोल्फ ब्रो वेलकम टू स्ट्रीम भाई, कैसे हो? बढ़िया भाई, आप बताओ कैसे हो? यहाँ पे टी नंबर 7 के यहाँ पे गुरुजी के बंदे अपने टीममेट का रिवाइव दे रहे हैं। क्लाउन FTW इसी के साथ क्लोजिंग कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे लास्ट बंदा बचा है और यहाँ पे इसी साथ क्लोजिंग करना चाहेंगे। वहाँ पे TRS के काई को यहाँ पे फिनिश किया नॉक करके, 40 में किल अपनी कंफर्म करी और यहाँ पे नेट जाता हुआ क्लाउन FTW की तरफ से। यहाँ पे गुरुजी अपने टीममेट को रिवाइव दे चुके हैं, 2v4 की सिचुएशन है यहाँ पे। ATS के चारों बंदे रिवाइव होते हुए,
तीनों बंदे यहाँ पे, दो बंदे यहाँ पे रिवाइव हो चुके हैं और चारों यहाँ पे कुछ कर चुके हैं। गिरुजी के शेर यहाँ पे नौ को, तो मर्सी भाई बहुत ही कम एचपी थे और एडीएस के तीन बंदे आ चुके थे। 1v3 की सिचुएशन थी इसी के साथ। टी नंबर 7 पूरी वाइप होती हुई यहाँ पे, एडीएस के टाइटन ओपी को अब यहाँ पे रिवाइव मिलेगा और 8 किल हो चुकी है। पिंकी गुप्ता वेलकम टू स्ट्रीम XNXOP। ये गाइस XNXOP गाइस, जल्दी से अपनी टीम का नाम लिख के चैट में जीजी स्पैम को दो फटाफट जल्दी से, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट लाइक ठोको। टीम नंबर 10 के बंदे यहाँ पे जोन में निकल चुके हैं, रोटेशन देना चालू कर दिया। टीम नंबर 23 का अकेला बंदा अभी तक अराइव है और मस्त आराम से यहाँ पे होल्डिंग वाली गेम खेल रहा है। बिल्कुल आराम से होल्ड कर अपनी पोजीशन। टीम नंबर 20 के बंदे यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं, जो कि टीम नंबर 12 से फाइट लेने वाले थे। XNX की स्क्वाड थी यहाँ पे, 7 किल हो चुकी है भाई। बिल्कुल आराम से दोनों स्क्वाड यहाँ पे टीपी पी लेते हुए, कोई भी यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहता है। इंतजार कर रहे हैं कि सामने वाले बंदे का यहाँ पे टीम का एक बंदा डाउन हो, हम यहाँ पे पुश करें। XNX के अनेबल भाई मिनी 14 चलाते हुए 8x के साथ सामने टीम नंबर 3 भी एंट्री ले चुकी है। सैन मार्टिन में जोन के अंदर आती हुई बिल्कुल रिच पे है। TSR की स्क्वाड है हमारी। स्कारल ओपी यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। अभी स्नाइपर ओपी और ब्लेड ओपी बचे हैं, केवल 3 बंदे बचे हैं यहाँ पे टी नंबर 3 के। 11 टीम बची हैं, 34 बंदे अलाइव हैं। टी नंबर 13 के बंदे यहाँ पे क्रिएटर फील्ड की तरफ से थोड़ा हाइट का एडवांटेज लेंगे। टी नंबर 9 के बंदों के साथ फाइट देखने को मिल सकती है। टी नंबर 13 हमारी जो कि SVG की स्क्वाड है। टी नंबर 22 के बंदे यहाँ पे रोटेशन लेकर जोन आना चाहेंगे। टी नंबर 4 हमारी ASVS की स्क्वाड है, जो कि अपने रोटेशन लेना चालू कर चुकी है, जोन निकलना चाहेगी यहाँ पे। सुबह भाई यहाँ पे स्कूल बस चलाते हुए सामने सरदार भाई खड़े हैं इनके, जो कि चार जा रहे हैं जोन में। इनके आगे आगे बिल्कुल सामने ATS की स्क्वाड बिल्कुल रिच पे है। तो टीम नंबर 4 की हमें यहाँ पे ATS से फाइट देखने को मिल चुकी है। सरदार भाई यहाँ पे यमहा चलाते हुए, क्या बात, यहाँ पे यमहा देखने को मिली हमारे आज के कस्टम में हमें, क्या बात। और गाइस यहाँ पे 9 किल हो चुकी है। वहाँ पे सुपरलेक्स दीप ने सुपरलेक्स अंश को यहाँ पे नियर से डाउन कर दिया है। और भाई ये कैसे हो गया, जरा चलें सुपरलेक्स की स्क्वाड। वहाँ पे टीम नंबर 6 निकल चुकी है सैन मार्टिन से। SK की स्क्वाड अपने रोटेशन लेकर के यहाँ पे जोन निकल रहे हैं, जोन के बाहर से यहाँ पे जोन निकलना चाहिए। जोन हमारा बन चुका है गाइस 4th और जोन पूरा का पूरा यहाँ पे टीम नंबर 6, 12 और 3 के ऊपर गया है। तीनों स्क्वाड यहाँ पे जोन के अंदर है, बाकी सबको यहाँ पे जोन में आना पड़ेगा। वहाँ पे टीम नंबर 23 की यहाँ पे फाइट हो रही है टीम नंबर 10 से। वन मैन आर्मी 1v3 से फाइट लेता हुआ सामने सुपरलेक्स अंश यहाँ पे रिवाइव हो चुके हैं। गलती से आई थिंक वहाँ पे नेड हो गया था, इसलिए यहाँ पे सुपरलेक्स अंश की वजह से सुपरलेक्स दीप भाई यहाँ पे कोई डाउन हो गया था अपने टीममेट से, कहते हैं नेड आपस में गिर गया था एक दूसरे के ऊपर। वहाँ पे 1 किल कंफर्म कर 18 और 23 का एक बंदा यहाँ पे फिनिश हो चुका है। अब 3 बंदे बचे हैं, 1 किल है वहाँ पे। टीम नंबर 20 के बंदे यहाँ पे जोन में एंट्री ले चुके हैं, जो कि SK की स्क्वाड है। यहाँ पे 10 टीम बची हैं, 33 बंदे लाइव है। जोन हमारा 4th चल रहा है, 1 मिनट बाद हमें यहाँ पे 5वां जोन देखने को मिलेगा। और 5वां जोन स्टार्ट होते ही यहाँ पे बहुत ही इंटेंस फाइट देखने को मिली। किल फील्ड भाई बिल्कुल नाचने वाली है, तैयार हो जाओ भाई। यहाँ पर XC18 की 1 किल है अभी तक, तो निकलना चाहिए। चारों बंदे अलाइव है यहाँ पर। टीम नंबर 18 हमारी ATS की स्क्वाड 8 किल के साथ। आज का मैच काफी अच्छा रहा ATS का, कल का थोड़ा सा बेकार था, काफी कम किल रही थी। आज यहाँ पे 8 किल निकाली है ओपी का जीजी। काफी अच्छी स्क्वाड हमारी इस कस्टम में खेल रही है भाई। T1 से स्क्वाड खेल आई है, अंडरडॉग वाली स्क्वाड यहाँ पे खेलती हुई हमारा ये टूर्नामेंट। टी नंबर 8S के बंदे यहाँ पे XC18 के फ्यूजन यहाँ पे गाड़ी फोड़ करके नॉक कर दिया है विचर ने। वहाँ पे ATX वर्सेज XC18 देखने को मिलेगा हमें, जो कि हमारे आम कस्टम रूम जो कि हमारे T3 स्क्रीम्स होते हैं वो उस पर देखने को मिलता है। यहाँ पे सरदार भाई डाउन हो चुके हैं SK की तरफ से। SK की स्क्वाड की यहाँ पे फाइट होती है टी नंबर 20 से, जो कि हमारी SK की स्क्वाड की फाइट होती है टी नंबर 4 से भाई। टी नंबर 20 तो SK की स्क्वाड है, ASBS की स्क्वाड है हमारी। टी नंबर 4 के बंदे सरदार भाई फिनिश हो चुके हैं। अभी अंजेश भाई और शुभ भाई 2 बंदे बचे हैं सामने SK के, पूरे 4 बंदे वहाँ पे। अंजेश को यहाँ पे डाउन किया SK, इसके पास बहुत ही अच्छा एडवांटेज है भाई, फुल रिच है और पीछे से बंदे यहाँ पे फैल रखे हैं, तो OP कवर दे पाएंगे यहाँ पे आगे जो क्लाउन है अपने टीममेट के। वहाँ पे शुभ भाई अकेले बचे और उनकी पोजिशन यहाँ पे पता चल चुकी है XK बंदों को, तो यहाँ पे क्लोजिंग करना चाहेंगे। लिगमा का बहुत ही अच्छा स्प्रे आता हुआ काफी डाउन किया यहाँ पे सुबह को भाई, काफी लो कर दिया। तो सुबह अकेले बचे सामने पूरे 4 बंदे वहाँ पे। ATS विच ने यहाँ पे एक्सीडिंग फ्यूजन को फिनिश किया और यहाँ पे इसी के साथ ASBS की स्क्वाड पूरी फिनिश होती है। SK की यहाँ पे 8 किल हो चुकी है, 3-4 स्क्वाड है जिनकी यहाँ पे 8 किल हो चुकी है। अभी तक 10 किल यहाँ पे किसी भी स्क्वाड की नहीं हुई है। ATS की 9 किल है, 1 किल और यहाँ पे 10 किल हो जाएगी यहाँ पे ATS की सामने ऊपर। 8 XC18 की स्क्वाड के 3 बंदे बचे हैं। फ्यूजन भाई को यहाँ पे गाड़ी से नॉक किया था, उनको रिवाइव नहीं मिल पाया, तो फिनिश हो चुके हैं फ्यूजन।
अभी केवल बॉबी, साइरस, ओपी और एक्वा ओपी बचे हैं। यहाँ पे बॉबी थोड़ा सा ऊपर की साइड चढ़ते हैं, वहाँ पे टी पीछे नीरमन 9 भी है यहाँ पर, जो कि हमारी स्टार भाई की स्क्वाड है। एसवीजी के बंदे यहाँ पर रोटेशन लेके जोन निकल रहे हैं। 9 टीम रह गई है, 29 बंदे अलाइव हैं। जहाँ तक है सभी टीम में यहाँ पे चार चार बंदे, तीन तीन चार चार बंदे अलाइव हैं, सभी में अलाइव है। वहाँ पे टीम नंबर 6 में केवल, जो कि 2 बंदे अलाइव है, कमांडर और बीस भाई हैं, जो केवल 2 बंदे अलाइव है टीम नंबर 6 में। गाइस जल्दी से जिसने अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दो, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर आपको चैनल पे नए हो बेल आइकन जरूर दबा देना। टीम नंबर 22 यहाँ पे गाड़ी लेके जोन निकलना चाहिए, जोन भी निकलना पड़ेगा यहाँ पे। 2 मिनट के अंदर हमारा यहाँ पे जोन स्टार्ट हो जाएगा और छठा जोन होगा, तो कि बहुत काटने वाला प्ले जोन से। एसपीजी के रंजीत भाई यहाँ पे डाउन हो चुके हैं और एटीएस आई थिंक क्लोजिंग करना चाहिए। एक्सेटिंग के बने थोड़ा सा नजदीक आ चुके हैं एटीएस के, और यहाँ पे टाइटन ओपी ऑन चलाते हुए देखते हैं यहाँ पे हेडशॉट देखने को मिलेगा कि नहीं। एक्वा ओपी इनके सामने से आ रहे हैं, तो यहाँ पे एटीएस के टाइटन ओपी यहाँ पे एक्वा को काफी आसानी से डाउन कर सकते हैं। टाइटन ओपी लगता है एक्वा ओपी को पता नहीं कि पीछे यहाँ पे टाइटन ओपी यहाँ पे रंजीत भाई प्ले जोन से फिनिश होते हुए, क्या बात। एसवीजी के रंजीत भाई प्ले जोन से कैसे फिनिश हो गए भाई। एसवीजी के नावेद यहाँ पे डाउन हो चुके हैं, सुपर लेसन की स्क्वाड की फाइट होती हुई एसवीजी से। करण भाई यहाँ पे डाउन होते हुए नावेद भाई फिनिश हो चुके हैं। एसवीजी पूरी स्क्वाड वाइप कर दिए यहाँ पे। टीम नंबर 10 ने 4 किल निकाल लिया भाई, रोटेशन ले रही थी यहाँ पे एसवीजी की स्क्वाड जोन में आना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे बहुत ही सही टाइम पे यहाँ पे सुपर लेसन की स्क्वाड ने यहाँ पे वॉइस बढ़ाओ बढ़ा दो भाई थोड़ी सी। ब्रो वॉइस मेरी फुल है माइक की, मैं लो थोड़ी और बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, तो बिल्कुल फुल ही कर देता हूँ अभी यहाँ पे, बिल्कुल ठीक आएगी। यहाँ पे मैंने बिल्कुल फुल कर दी है भाई, वॉइस तो बिल्कुल फुल है मेरे माइक की, कैसे नहीं आ रही आप लोग को, वैसे मेरे को समझ में नहीं आ रहा। गाइस बिल्कुल फुल है, एक बार आप लोग रुको मेरे को चेक कर रहा हूँ दोबारा से, यहाँ पे शेयर करना लाइक कर दो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपको चैनल पे नहीं हो बेल आइकन। अच्छा इन गेम वॉइस तो नहीं कह रहे हो, क्योंकि इन गेम वॉइस नहीं आ रही है मेरे ख्याल से। ओके गाइस यहाँ पे ना इन गेम वॉइस नहीं आ रही गेम में, मुझे देखने को क्यों नहीं आ रही है। ओ यार मुझे पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया था। अभी आएगी है इन गेम की वॉइस भाई, सॉरी गाइज यहाँ पे इन गेम वॉइस नहीं आ रही थी, अभी आपको यहाँ पे इन गेम वॉइस देखने को मिलेगी। केवल मेरी वॉइस आ रही थी, मेरे को लगा कि आप मेरी वॉइस कह रहे हो बनाने के लिए। अभी मैं दोबारा से अपना माइक पहले से कर लेता, क्योंकि मैंने फुल कर दिया था, बोलना चाहिए ना आपको ब्रो कि इन गेम वॉइस नहीं आ रही है, मेरे को लगा कि मेरी वॉइस की दिक्कत हो रही है। वहाँ पे एसके के डेविल यहाँ पे डाउन हो चुके हैं, एटीएस की फाइट होती हुई एसके के साथ। यहाँ पे टीम नंबर 10 के बंदे यहाँ पे स्मोक कर रहे हैं, क्योंकि जोन निकलना पड़ेगा। वहाँ पे 4 टीम बची हैं, 22 बंदे अलाइव है। टीम नंबर 18 एटीएस की स्क्वाड की फाइट हो रही है। टीम नंबर 3 यहाँ पे क्लाउन एफटीडब्ल्यू फाइट ले रहे हैं भाई, चारों बंदे अलाइव है। 10 किल हो चुकी है एटीएस की सामने। टीम नंबर 3 के टीएसआर की ब्लेड ओपी के ऊपर से जाता हुआ है एम4 का। यहाँ पे एक बंदा यहाँ पे डाउन हो चुका है, स्नाइपर ओपी टीम नंबर 3 के सामने गब्बर भाई। एसके के डेविन यहाँ पे प्ले जोन पे, एसके के सोल भाई यहाँ पे डाउन हो चुके हैं एटीएस की तरफ से। क्लाउन एफ और एक ओपी यहाँ पे डाउन होते हुए टीम नंबर 10 की यहाँ पे फाइट हो चुकी है। टीम नंबर 9 से जो कि हमारी ट्रिपल एफ डिफेंस की स्क्वाड है, और एक बंदा डाउन है डीप भाई, अकेले बचे हैं सामने इनके। टीम नंबर 22 के जो कि हमारी FC18 की स्क्वाड है भाई, पूरा एक बंदा फिनिश कर दिया ट्रिपल एफ अंश का। अभी केवल अकेला बंदा बचा है क्लाउन FTW ने, यहाँ पे टीम नंबर 3 को पूरा फिनिश किया। एसके की क्लाउन FTW लोगन भाई यहाँ पे डाउन हो चुके हैं, और आई थिंक एसके की पूरी स्क्वाड यहाँ पे वाइप हो चुकी है। अभी केवल F10X की स्क्वाड टीम नंबर 10 बची है। टीम नंबर 10 से थोड़ी सी दिक्कत होती हुई टीम नंबर 22 उनके ऊपर पुश कर रही है, और आई थिंक यहाँ पे टीम नंबर 10 पूरी फिनिश हो जाएगी यहाँ पे टीम नंबर 22 से। अभी केवल अंश भाई और दीप भाई अकेले बचे हैं। टीओ वर्सेज टीओ के फाइट है भाई, क्या बात। 2v3 की फाइट यहाँ पे एक्वा ओपी यहाँ पे डाउन होते हैं। FC18 के यहाँ पे बॉबी भाई साइड आए थे, लेकिन भाई सुपरलेक्स की भाई क्या खेल रहे हैं, सुपरलेक्स की फाइट का खेलते हुए यहाँ पे बॉबी को, बॉबी ने लेकिन सुपरलेक्स अंश को यहाँ पे डाउन कर दिया। अभी केवल दीप बचे हुए हैं, और बॉबी भाई बिल्कुल कम HP है, तो यहाँ पे FC18 का थोड़ी सी दिक्कत बढ़ती हुई। साइरस ओपी बचे हुए हैं यहाँ पे, बॉबी भाई हील करेंगे वहाँ पे सुपर एक्स की स्क्वाड में। यहाँ पे दीप भाई बचे अपने टीममेट को यहाँ पे रिवाइव दे रहे हैं ऐश को सामने। बॉबी भाई वॉल के आगे बिल्कुल हील कर रहे हैं भाई, आमने सामने बैठे हैं, एक स्मोक का कवर है केवल जो यहाँ पे बचा के रखा है। दीप भाई को लग रहा है कि वहाँ पे ट्रक के पास बंदे हैं, लेकिन आई थिंक बॉबी को यहाँ पे आते हुए फुटप्रिंट, और बॉबी ने यहाँ पे पुश किया, और इसी के साथ सुपर एक्स की स्क्वाड को पूरा फिनिश किया। साइरस ओपी की फाइट होती है टीम में 9 के कुणाल भाई, जो कि आई थिंक यहाँ पे हीलिंग गेम करना चालू कर चुके हैं। इनके पास 5 हेल्थ किट है, और यहाँ पे हीलिंग गेम स्टार्ट हो चुका है। अगर देखते हैं इनका हीलिंग गेम कब तक इन्हें बचा पाएगा, कौन से पोजीशन आ पाएगा प्ले जोन से। FC18 के बॉबी फिनिश होते हुए वहाँ पे एटीएस के ओरेकल ओपी डाउन हो चुके हैं। वहाँ पे ट्रिपल एक्स की डबल एक्स एक्स एन एक्स की स्क्वाड को यहाँ पे
जो मैंने पड़ेगा जिक्सर भाई को टाइटन ओपी का हेडशॉट पड़ता हुआ 14 किल हो चुकी है 86 करके। बॉबी भाई प्लेज होते फिर देखो नाल भाई प्लेज होते फिर चलते केवल 4 टीम 8 बंदे अलाइव है वहाँ पे। टीम नंबर 12 भी अलाइव होती हुई हमारे एक्सएनएस की स्क्वाड है, 2 बंदे अलाइव है जिक्सर भाई वाला नेवल वहाँ पे। XC18 की पूरी स्क्वाड फिनिश हो चुकी है यहाँ पे TSR भाई के द्वारा। यहाँ पे ब्लेड ओपी अकेले बंदे बचे हैं, 4 किल निकाल चुके हैं और यहाँ पे जोन का एडवांटेज है यहाँ पे TSR के पास। नंबर 18 और 12 को यहाँ पे जोन में आना है तो अभी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है यहाँ पे टीम नंबर 18, लेकिन टीम नंबर 18 के पास बहुत ही अच्छा यहाँ पे हाइट का एडवांटेज है। जैसे हमें यहाँ पे कल मीरामार में देखने को मिला था हाइट का एडवांटेज, यहाँ पे आज ATS के पास हाइट का एडवांटेज है। वहाँ पे XNS के 2 बंदे बचे हुए हैं, 3 डुओ वर्सेस 1 वर्सेस 2 वर्सेस 4 की फाइट है यहाँ पे। क्या बात, ATS के पूरे 4 बंदे भाई 14 किल निकाल चुके हैं, ये अपनी 14 किल को यहाँ पे 15 किल में कन्वर्ट कर पाएंगे कि नहीं यहाँ पे देखते हैं। टीम नंबर 3 के बंदे अपनी 4 किल को 8 किल में कर पाएंगे कि नहीं यहाँ पे क्लच कर पाएंगे। ATS के सामने पूरे 4 बंदे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल। यहाँ पे XN TSR के बंदे भाई काफी अच्छा खेलते हैं तो यहाँ पे क्लच भी देखने को मिल सकता है हमें। वहाँ पे टाइटल ओपी ऊपर से यहाँ पे कवर देंगे पर टीम को, लेकिन वहाँ पे विचर भाई की M249 का चल रहा है। यहाँ पे TSR के आखिरी बंदे को फिनिश किया सामने, अभी XNS के 2 बंदे बचे जो कि यहाँ पे जो निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जल्दी गाड़ी से यहाँ पे डाउन किया जिक्सर भाई अकेले जो कि बहुत ही कम अच्छी बचे हैं हील करेंगे। लेकिन ATS के बंदे इसी के साथ क्लोजिंग करना चाहेंगे, प्ले जोन से आई थिंक जिक्सर भाई फिनिश हो जाएंगे, किल नहीं देना चाहते थे किसी को। और इसी के साथ यहाँ पे ATS की स्क्वाड ने यहाँ पे चिकन डिनर निकाला है भाई, 15, 16, 17 किल के साथ यहाँ पे चिकन डिनर निकाला है ATS की स्क्वाड ने। 16 किल साथ, ओके लास्ट किल मिल नहीं पाई थी उन्हें, प्लेजोन से फिनिश हो गए यहाँ पे XNS के बंदे और 16 किल के साथ यहाँ पे ATS की स्क्वाड ने चिकन डिनर निकाला है। तो बहुत ही ओपी गेम प्ले था, XNS की स्क्वाड की भी काफी अच्छी किल है यहाँ पर। 9 किल के साथ यहाँ पे सेकेंड आई है वहाँ पे TSR की, यहाँ पे 4 किल के साथ थर्ड आई है XC18 की स्क्वाड, यहाँ पे 4 किल के साथ फोर्थ आई है। और ये है हमारा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं आज हम बिल्कुल प्रॉपर ढंग से यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेंगे। रिजल्ट का पहला स्क्रीनशॉट होता हुआ SK की स्क्वाड हमारी 7th आई है। आप लोग भी यहाँ पे स्क्रीन पे रिजल्ट देख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे रेज भाई टीम नंबर 11 के अकेले